अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ऑल स्टेप्स आर 0.5 मीटर हाई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस फिगर में सारी स्टेप्स जो हैं वो 0.5 मीटर की हाइट पे है तो हमें क्या निकालना है हमें इन सारी स्टेप्स का एरिया निकाल के उन्हें ऐड करके इस इस शेड फिगर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं ए B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ये आ गया अब हम एक एक करके रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो पहले हम ए पी बी सी का एरिया निकाल लेते हैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो देखिए यहीं पर निकाल ली हमें ए बी दे रखा है 3.5 मीटर और हमें ए पी दे रखा है 0.5 मीटर तो एरिया निकाल रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी पी का एरिया निकाल लेंगे तो ये कितना हो ए पी सी बी कहें या ए बी सी पी कहें बात एक ही है तो ये आ गया ए बी इंटू ए पी तो ए बी था हमारा थ्री पॉइंट फाइव मीटर और ए पी था जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो ये कितना आ गया फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव थ्री 15 सिक्सटीन सेवनटीन अब क्योंकि एक डिजिट यहाँ पहले और एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है तो दो डिजिट पहले पॉइंट लग गया मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस फर्स्ट लेटर का अब हमें सेकेंड लेटर का एरिया निकालना है इस वाली तो सेकेंड सीढ़ी का कैसे एरिया निकालेंगे देखिए अब हमें ये ओ डी निकालना है कैसे निकालेंगे देखिए ये पॉइंट फाइव मीटर दे रखा है ये पार्ट सी डी और इसी तरीके से ओ पी हमें ज़ीरो पॉइंट फाइव दे रखा है राइट तो जब ये पूरी लेंथ हमारी थ्री पॉइंट फाइव मीटर की थी अब जीरो पॉइंट फाइव मीटर इधर से दे रखा है और जीरो पॉइंट फाइव मीटर इधर से दे रखा है तो हम क्या करेंगे ओ डी की लेंथ निकाल लेंगे तो वही किया ओ डी कैसे निकलेगा देखिए ए बी की लेंथ में से हम ओ पी की लेंथ और सी डी की लेंथ माइनस कर देंगे तो ए बी कितना है थ्री पॉइंट फाइव और उसमें से ओ पी दैट ज़ीरो पॉइंट फाइव और ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया टू पॉइंट फाइव मीटर आ गया राइट right? अब अब हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई एन कितना होता है ओ डी इन टू डी ई कहें या ई e एन कहें बात एक ही है राइट right? तो ओ डी आया हमारा टू पॉइंट फाइव और हमें पता है हर एक सीढ़ी जीरो पॉइंट फाइव मीटर ऊंची थी यही कह रहा है तो वही किया अब हमें पता है ट्वेंटी फाइव फाइव वन ट्वेंटी फाइव और क्योंकि एक एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ पॉइंट है तो टोटल दो डिजिट पहले पॉइंट लग गया मीटर स्क्वायर अब सेकेंड स्टेयर्स का भी हमारा एरिया आ गया अब ये थर्ड स्टेयर का एरिया निकाल लेंगे अब हम देखिए एफ एम कैसे निकालेंगे ई एन में से या ओ डी में से हम अगर ये ज़ीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे तो एफ एम की वैल्यू आ जाएगी तो एफ एम कैसे निकालेंगे ओ डी में से हम पॉइंट फाइव मीटर और पॉइंट फाइव मीटर माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा ओ डी था हमारा टू पॉइंट फाइव अभी अभी हमने निकाला ये रहा राइट इसमें से पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव वन होता है दोनों ऐड हो जाएंगे साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा तो ये कितना आ गया वन पॉइंट फाइव मीटर आ गया हमारा एफ एम कहें या एम एफ कहें बात एक ही है तो अब हम क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा एम एफ जी एल कैसे निकलेगा एफ एम की मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव में तो ये कितना आ गया एफ एम आया वन पॉइंट फाइव इन टू जीरो पॉइंट फाइव तो दैट मीन्स फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव टू कैरी सेवेंटी फाइव और क्योंकि एक एक डिजिट पहले पॉइंट है तो, तो टोटल टू डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा अब हम लास्ट इस वाली लेडर का एरिया निकाल लेंगे कैसे देखिए जितनी हमारी एम है उसमें से 0.5-0.5 माइनस कर देंगे तो के एच की लेंथ आ जाएगी तो के एच की लेंथ कैसे निकालेंगे एम में से 0.5 मीटर माइनस कर देंगे दोनों तरफ का तो एम एफ कितना आया था हमारा एम एफ कहीं या एफ एम कहीं बात एक ही है वन पॉइंट फाइव मीटर और उसमें से पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मीन्स वन आ गया वन माइनस कर देंगे तो ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव मीटर आ गई हमारी के एच की लेंथ अब हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ के एच आई जे एरिया कैसे निकलेगा के एच इंटू जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो ये के एच था हमारा जीरो पॉइंट फाइव मीटर और जीरो पॉइंट फाइव से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया पॉइंट टू फाइव मीटर स्क्वायर अब हमें क्या करना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे देखिए जो जो दिया हुआ है उसका एरिया ऐड कर लेंगे पहला था ए बी सी पी ए बी सी पी प्लस एरिया ऑफ़ ओ डी ई एन प्लस एरिया ऑफ एम एफ जी एल प्लस एरिया ऑफ़ के एच आई जे तो ये कितना आ गया ए बी सी पी का एरिया देखिए ए बी सी पी का एरिया है 1.75 मीटर स्क्वायर और ओ डी ई एन का एरिया है 1.25 मीटर स्क्वायर तो वही लिख लेते हैं 1.75 मीटर स्क्वायर प्लस 1.25 मीटर स्क्वायर प्लस अब एम एफ जी एल का एरिया देख लेंगे कितना दे रखा है देखिए एम एफ जी का एरिया है पॉइंट सेवन फाइव मीटर स्क्वायर पॉइंट सेवन फाइव मीटर स्क्वायर और के एच आई जे का एरिया कितना है पॉइंट टू फाइव मीटर स्क्वायर तो टोटल एरिया कितना आ गया शेडेड पोर्शन का फाइव प्लस फाइव इज टेन टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी टू कैरी सेवन प्लस टू इज नाइन टेन इलेवन एलेवन प्लस सेवन इज एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू कैरी थ्री फोर दैट्स इट फोर इसको फोर पॉइंट जीरो जीरो मीटर स्क्वायर कहें या फोर मीटर स्क्वायर कहें बात एक ही है आंसर